subscribe to our channel and press the bell icon. विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th हिंदी लोकवाणी ये चौथी कविता है, जिन ढूंढा, जिसे संत कबीर ने लिखा है। प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय की वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दोहों द्वारा प्राप्त सीख, वह तुम्हारे लिए बोएगा कांटा, तुम उसके लिए बोओगे फूल, तुम्हें मिलेंगे फूल के फूल और उसे मिलेंगे त्रिशूल। उचित जोड़ियां मिलाइए, गुरु, पंथी, फूल, कुम्हार, इसके उत्तर लिखना है और दोहों में आए सुवचन लिखना है। दुर्बल को न सताए, जाकी माटी हाय। अब ये जो दिया गया है तो दोहों में आए हुए जो सुवचन है ये दो है, दुर्बल को न सताए और दूसरा जाकी माटी हाय। अब ये जो हम जोड़ियाँ लगाना है, गुरु, कुम्हार, शिष्य, कुंभ, अंदर, सहारा, बाहर, चोट। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, कस्तूरी की खोज करने वाला, किनारे पर बैठा रहने वाला, तीन नोकों वाला अस्त्र जो बलहीन है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, पहले का है मृग, दूसरे का बौरा यानी बावरा, तीसरे का त्रिशूल और चौथे का दुर्बल। दोहों में प्रयुक्त निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, मृग, कुंभ, फल, बाल। उत्तर, मृग का हिरण, शिकार, पशु, मृग, शीरा, नक्षत्र। दूसरे का कुंभ, कुंभ यानी मिट्टी का घड़ा या फिर कुंभ यानी कुंभ का स्नान। तीसरा फल, फल यानी फल, खाने वाला फल, और दूसरा फल यानी परिणाम, फल स्वरूप। चौथा बाल, बाल यानी सिर के बाल, और उसके बाद है गेहूं आदि के बाल यानी बालियां, जिसमें आप भुट्टा होता है उसे भी बाल कहते हैं। निम्नलिखित अर्ध के शब्द दोहों में ढूंढकर लिखिए, पुत्र, इत्र विक्रेता, परमात्मा, खुद। पुत्र लाल, खुद यानी मैं भी हो गई लाल, परमात्मा यानी साइयां, दुश्मन यानी बैरी, इत्र विक्रेता यानी गंधी। इसका उत्तर है, कबीरा संगत साधु की बास सुबास। ये दोहा इसका अर्थ है, समाज में दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो सज्जन प्रकृति के ओर, दूसरे दुर्जन। सज्जन प्रकृति के व्यक्ति का साथ करने पर मनुष्य को अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जबकि दुर्जनों की संगत करने पर मनुष्य को बुरी बातें सीखने को मिलती है, बुरी बातों का परिणाम अच्छा नहीं होता। कबीर सज्जनों की तुलना इत्र बेचने वालों से करते हैं। वे कहते हैं कि इत्र बेचने वाला अपने साथ चलने वाले को भी को भले कुछ न दे, पर साथ चलने वाले को उसके इत्रों की सुगंध अनायास की मिलती रहती है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर यदा कदा ज्ञानप्रद और सदाचार की बातें सुनने को मिलती रहती है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम में सत्य और असत्य को पहचानने का विवेक आए और हम अपना भला बुरा पहचान सकें।